कहाँ से हैं? सर मुलावा से हैं, प्रयागराज। अच्छा, क्या जॉब हो गई? जॉब हो ज्वाइन देने के लिए आए हैं भैया। यूके? यूके। अच्छा अच्छा, इसमें जॉब के लिए आए हैं? यस। यहाँ पे रिजाइन देने के लिए आया हूँ। उनका सैलरी 14+ देते हैं। तो हेलो गाइज, वेलकम माई टू, स्वागत है फिर एक नई अपडेट के साथ, नई जॉब के साथ। तो जी गाइज, हम आज आपको आए हुए हैं फेस टू में, और जस्ट हमारे पीछे आप ये देख सकते हैं, आपको ये यानी कि KHY इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, यानी कि ये एक चाइनीज़ कंपनी है, और ये आपको यानी कि फेस टू के बस स्टेशन के पास ही ये कंपनी है। यानी कि बात करते हैं इस कंपनी में, यानी कि बहुत इसमें पैमाने में इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाए जाते हैं, और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट जो आए हुए हैं जॉब हायरिंग के लिए। और इसमें अभी बात करते हैं कि बहुत पैमाने पर यहाँ पे अभी जॉब हायरिंग चल रहा है, तभी हम बात करेंगे जो इसमें जो कंपनी जॉब हायरिंग दे रही है किस पैमाने पर दे रही है, और कंपनी जो है बेसिक सैलरी कंपनी क्या दे रही है, और जॉब लोकेशन का भी बात करेंगे और सैलरी की बात करेंगे। तो वीडियो तो हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आप मेरे चैनल पर नए नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक करें, आप नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को दोस्तों से जरूर शेयर करें। जो कैंडिडेट बहुत पैमाने देख सकते हैं यहाँ पे, काफ़ी यहाँ पे कैंडिडेट जो आए हुए हैं यहाँ पे जो भर्ती के लिए, और इसमें काफ़ी जो कैंडिडेट देख सकते हैं यहाँ पे जो हायरिंग के लिए आए हैं, और इसमें अभी वैकेंसी चल रही है। तो चलिए अभी हम इनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे जो यहाँ पे जो हायरिंग चल रहा है, ये कंपनी किस बेस पे अभी आपको यहाँ पे जॉब दे रही है, और आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो साथ बने रहें, चलते हैं यहाँ पे जो भैया हैं, अभी हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे भैया मौजूद है, चलिए अभी हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ कंपनी के पास? क्या काय के लिए आए थे? वो आए हैं रिजाइन देने, गाँव जाना है तो एग्ज़ाम है तो रिजाइन देने के लिए आए हैं। पेपर है इसलिए? हाँ हाँ जी। कहाँ से? हम तो अभी बिहार से हैं सर, जहानाबाद जिला। नाम क्या हो भैया? मेरा नीतीश नाम हुआ। थैंक यू भैया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे कैंडिडेट जो आए हुए हैं अभी यहाँ पे जॉब हायरिंग के लिए। चलिए अभी हम इनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो के साथ साथ बने रहें। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे भैया अभी आए हैं, चलिए अभी हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो आप इसमें जॉब करते हैं क्या? जी हाँ करते हैं। अच्छा, कब से? 1.5 महीना हो गया। क्या हुआ अभी क्यों आए? यहाँ पे रिजाइन देने के लिए आया हूँ। क्या रीज़न हुआ क्यों यहाँ पे? मतलब घर पे जाना है और अच्छा नहीं लग रहा है काम, इसीलिए। ये तो बता रहे थे आपका दोस्त, पेपर है सर। हाँ, ये बीए का एग्ज़ाम भी है जी। हाँ, मेन रीज़न तो वही हो सकता है। हाँ, मेन रीज़न वही समझ लीजिए एग्ज़ाम का लेकर के। नाम क्या हुआ? राहुल कुमार नाम हुआ। थैंक यू भैया। तो देख सकते हैं ये राहुल भैया है, और ये इन्होंने इनका पेपर होने वाला है, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे कंपनी में अभी रिजाइन देकर अभी फिलहाल में ये घर जा रहे हैं। तो अभी चलते हैं यहाँ पे जो भैया, अभी इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए अभी भैया जो आए, चलिए अभी इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए भैया? यूके। यूके। अच्छा अच्छा, इसमें जॉब के लिए आए हैं? यस। अच्छा, क्या हुआ जॉब हो गई? अभी नहीं, मंडे होगा। अच्छा अच्छा, अभी क्या अभी फिलहाल में पेपर जमा किए हैं क्या? हाँ, पेपर जमा किए हैं अभी। अच्छा, किस क्वालिफिकेशन वाले को ये जॉब दे रहे हैं अभी? ग्रेजुएशन, बीटेक, एमटेक वगैरह ऐसा। अच्छा, मान लीजिए कोई अगर कैंडिडेट अगर ITI कर रखा हो तो उनका सैलरी क्या दे रहे हैं? उनका सैलरी 14+ देते हैं। अरे 14+? OTP है? हाँ, OTP चलता है। कितने घंटे? 3 घंटे पर डे। अच्छा अच्छा, इसमें एज लिमिट क्या होगा लास्ट? 35। अच्छा, मान लीजिए कोई कैंडिडेट हमारे डिप्लोमा कर रखा है, ITI कर रखा है, अगर वो कैंडिडेट आना चाहता है तो क्या वो आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। अच्छा, जब मिल जाएंगे? बिल्कुल मिलेगा, स्किल्स हैं उसके अंदर, गुड स्किल्स हैं तो वो ले सकता है। थैंक यू भैया। नाम क्या बताया? हिमांशु कुमार प्रजापति। थैंक यू भैया। तो देख सकते हैं अभी हम यहाँ पे कंपनी के गेट पे ही मौजूद है, और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे कैंडिडेट जो आए हुए हैं, और यहाँ पे जॉब अभी हायरिंग चल रहा है। तो चलते हैं हम अभी और किसी कैंडिडेट से बात करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो के साथ साथ बने रहें। तो गाइस, आप देख सकते हैं आपको ये KHY इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, और इसमें अभी हायरिंग चल रहा है। यानी कि बात करते हैं इसमें जो कैंडिडेट अगर ITI कर रखा हो और ग्रेजुएशन कर रखा है, उनका ही कैंडिडेट के इसमें अभी जॉब हायरिंग चल रहा है। और इसमें बात करते हैं इनमें से सैलरी कंपनी दे रही है, यानी कि 14,000 कुछ रुपये आपको ग्रेजुएशन वाले को, और आपको ITI वाले को सैलरी कंपनी दे रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कैंडिडेट जो यहाँ पे जॉब हायरिंग के लिए आए हैं, यानी कि C39 कंपनी है ये, फेज 2, यानी कि फेज 2 के जस्ट पास में ही ये कंपनी है, और इसमें कंपनी में बहुत पैमाने पर यानी कि अभी हायर चल रहा है। तो चलते हैं अभी यहाँ पर जो भैया आए थे, अभी चलिए हम इनसे भी बात करते हैं। भैया जो यहाँ पे आए हुए हैं और इनसे बात करते हैं, जो इनका जॉब हो चुका है तो बात करते हैं। भैया कहाँ से हैं? सर मुलावा से हैं, प्रयागराज। अच्छा अच्छा, क्या जॉब हो गई? जॉब हो गई, बस कुछ प्रॉब्लम है इसलिए वहाँ खड़े बात करें। अच्छा अच्छा अच्छा, क्वालिफिकेशन क्या दी है? क्वालिफिकेशन ITI है। ITI। सैलरी क्या बताए? सैलरी बताए 12-11 हज़ार। 11 हज़ार। ओवर टाइम भी? ओवर टाइम 100 रुपये घंटे। अच्छा अच्छा, काम क्या होता है इसमें? यहाँ काम वही इलेक्ट्रॉनिक काम होता है, मोबाइल बनता है, जैसे एयरबोर्ड्स बनते हैं, घड़ी बनता है, स्मार्टवॉच।
अच्छा, कोई अगर कैंडिडेट अगर मान लिया ITI कर रखा हो या ग्रेजुएशन कर रखा है तो क्या वो आ सकते हैं? हाँ, आ सकते हैं, जब मिल जाएगा मिल जाएगा। नाम क्या बताइए? चंद्रभान। अच्छा, थैंक यू भैया। तो देख सकते हैं अभी यहाँ पे भैया जो आए थे और इन्होंने इनके यानी ITI कर रखे है और इनका कंपनी में ज्वाइनिंग हो चुका है और थोड़ी देर के बाद में अंदर एंट्री करने वाले हैं। भैया आप कहाँ से हैं? बिहार से। अच्छा, बिहार से। अच्छा अच्छा, क्या हुआ, जॉब के लिए आए थे इसमें? अच्छा अच्छा, क्या हुआ, जॉब हो गई? नहीं हुआ है। अच्छा, क्या बोल रहे थे? बोल रहे हैं क्या, एक्सपीरियंस वाले बंदे थे। एक्सपीरियंस वाले बंदे। क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे थे? क्वालिफिकेशन वही है, ITI है, डिप्लोमा है, BTEC है, यही सब। मतलब कोई मोबाइल के चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स कमान का करूँ एक्सपीरियंस लगता है तो उनका जॉब हो जाएगा? तब देख सकते हैं इनका कहना ये है था, अगर कोई कैंडिडेट अगर एक्सपीरियंस रखता हो और वो काम के नॉलेज रखता है तो वो उनको जॉब आराम से आसानी के साथ हो सकता है, या चाहे कैंडिडेट अगर ITI का रखा हो और ग्रेजुएशन का रखा है तो उनका भी हो जाएगा। तो गाइज, आज के मेरे वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, आई होप अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट जॉब के साथ। आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स ऑल द वे।